हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? कैसे आप सभी? फाइन ना? ओके, गुड आफ्टरनून। हैव यू डन योर होमवर्क बेटा? कल क्या क्या था हमने वर्ड मीनिंग्स की थी ना, आपने फिर से याद किया उसे? किस किस ने याद किया है कल की वर्ड मीनिंग्स? Who have learned yesterday's homework? Priyanshi, have you learned beta? Well done. Akshita, very good. Tanu, good beta. बहुत अच्छे बच्चे। चलिए बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओपन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 ओपन करिए बेटा। On page number 14, there are some questions given. See first question here. यहाँ पर लिखा है ना, do you know? Do you know means क्या आप जानते हैं? चलिए यहाँ से start करते हैं ना। So our first question is, are we all of the same size? You have to give answer. क्या हम सभी सेम साइज के हैं? हम सभी की साइज जो है वो सेम है क्या बेटा? गिव मी आंसर क्विकली। कमेंट करके बताइए मुझे प्रॉपर, क्या हम सभी सेम साइज के हैं? आंसर विल बी नो। ठीक है, हम सभी सेम साइज के नहीं है, ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। Can a smaller animal help a bigger animal? Through this chapter, we have learned that a small animal can help bigger animal, right? Small animal भी big animal की help कर सकता है ना? हमने ये तो पढ़ा है इस chapter में। So क्या होगा answer? Yes, of course. A smaller animal help a bigger animal, ठीक है, यानी कि छोटा जो एनिमल होता है, स्मॉल साइज जो एनिमल होता है, वो भी बिगर एनिमल की हेल्प कर सकता है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर्स, डू यू हेल्प देम? कभी आपके छोटे भाई बहन ने भी आपसे हेल्प के लिए बोला हो और आपने की उसकी हेल्प? यस और नो? करते हैं आप उनकी हेल्प? करते होंगे। यू ऑल आर वेरी गुड, आई नो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेल्प यू? इट मीन्स आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपको कैसे हेल्प करते हैं, बताइए मुझे। क्या बता सकते हैं कैसे आपकी हेल्प करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। कैसे करते हैं? बाय सर्विंग एनीथिंग यू वांट। आपको पानी का गिलास चाहिए, आपको कोई चीज चाहिए, आपको नोटबुक चाहिए, तो वो आपको देते हैं ना। ये क्या है, एक तरीके से हेल्प है ये। और भी कुछ करते हैं तो मुझे बताइएगा। चलिए नाउ ऑन पेज नंबर 15 देयर आल्सो
थ्री क्वेश्चंस. सी क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डिड द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लिव, यानी कि फ्रेंड्स का जो ग्रुप है बेटा वो कहाँ रहता था, टेल मी कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, इन अ जंगल, कहाँ रहता था, इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जंगल में रहता था. Who thanked to whom? किसने किसको thank बोला? बताइए अब आप मुझे. Quickly give me answer. Who thanked to whom? किसने किसको thank बोला? मनीषा, राइट की स्पेलिंग होती है बेटा. बहुत पीछे चल रहे हैं आप लोग. मैंने ये पूछा आपसे कि किसने किसको थैंक्स बोला, किसने बोला था थैंक्स, मूसक राज ने बोला था ना, और किसको बोला था, गजराज को. ठीक है, इन द लास्ट क्वेश्चन इज Whom did Mushak Raj ask to come along? Mushak Raj ने किसको साथ में आने के लिए बोला, तो किसे बोला था? To group of friends, अपने group of friends को बोला था ना, बोला था ना अपने साथ आने के लिए. चलिए अब हम राइट करेंगे बेटा. फॉर दैट ओपन योर इंग्लिश नोटबुक. ओपन योर इंग्लिश नोटबुक, कीप द पेंसिल इन योर हैंड and start writing. So firstly tell me what is date today beta? Today is, okay, just pay attention here and write here day. You will write here day and what is date today? 11th August 2021. Clear? And then you will write here chapter number. Which chapter is this? Chapter 3rd. Okay. And here day. Which is day today? Tell me Wednesday. Okay. And what is the spelling of Wednesday? WEDNESDAY. Clear? Now, exercise number 1. Choose COSE. Choose the correct option. Choose the correct option. Are you writing it down? Start writing quickly. Don't waste the time. Good.
सो से क्वेश्चन नंबर वन, यहां पर बेटा आपकी नोटबुक पर रेड कलर की एक लाइन शो कर रही होगी, उसकी आउटर साइड पे आपको ये ए लिखना है और वन लिखना है, ठीक है। इनर साइड पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, गजराज बॉस एंड आई एम गिविंग यू ऑप्शन एंड यू हैव टू गिव मी आंसर, ओके। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रैट एंड सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज एलिफेंट एंड ऑप्शन नंबर सी इज किंग ऑफ रेड। ऑप्शन नंबर डी किंग ऑफ गजराज कौन था? ऑप्शन डी, वेरी गुड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिव कुमार, वेरी गुड। क्लैप फॉर शिव कुमार। सो बेटा गजराज वॉज एन किंग ऑफ एलिफेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, हू वेल सॉरी, हू सॉरी, सो हू फेल सॉरी, ऑप्शन नंबर ए फंटस, बी ऑप्शन इज रेड्स, ऑप्शन सी एलिफेंट एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। सभी ने तो बताइए किसने मांगी थी सॉरी।
बताइए। वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड बेटा। एंड मनीषा, एलिफेंट में। क्लैप फॉर गॉड। शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। दे आर वेरी अटेंटिव जॉय, आई नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। द एलिफेंट वर I'm giving you option elephant थे, क्या थे? First option is playing, are they playing? Option number B, in some danger, in some danger, C barking, and D option is kill. Have you remember the story? In some danger will be right answer. Option number B. Elephant danger में थे, खतरे में थे ना बेटा? Very good, शिव कुमार। चलिए we have completed exercise number A. Now we will proceed to exercise number B. True false. फटाफट से तालियां बजाइए। Manisha is also right. Tanu, very good beta. You have also given right answer. Have you written question number one? तनु का डन हो गया है, मनीषा ने भी कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू रेज क्वेश्चन नंबर वन। Start writing.
says B. Right. T. Four. थर्ड क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन क्या है? रिया। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है बेटा किल्ड, के आई डबल एल ई डी, किल्ड। ओके, सो फर्स्ट True false. The elephants were very hungry. They were looking for food. Here we have to write true or false. Okay, now see, the elephants were very hungry. जो elephants थे वो बहुत भूखे थे। भूखे थे क्या वो? They were looking for food. वो खाना ढूंढ रहे थे। क्या वो भूखे थे? वो खाना ढूंढ रहे थे? थे क्या? No ना, वो भूखे नहीं थे बेटा। Yes, it will be false. False आएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, द एलिफेंट्स destroyed the homes of the rats. Disliked
because they disliked them. Here you have to give the answer. Now tell me, the elephant destroyed the homes of the rats. Elephant ne chuhon ka ghar destroy kar diya, nest kar diya. Because means kyunki, kyunki they disliked them. Unko na pasand karte the. To kya wo rats ko na pasand karte the? Aisa to humne story mein abhi tak nahi padha. है ना? ऐसा तो नहीं था ना स्टोरी में कि वो रेड्स को नापसंद करते थे. सो आंसर विल बी फॉल्स. ओके, राइट डाउन फास्ट बेटा. नीचे वाला मैं इरेज कर दूं क्या? सबने कर लिया? किसने नहीं किया है मुझे बताइए. कर लिया बेटा? तुम्हें ऑप्शंस कुछ इरेज कर देते हो ना? नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री. The king of the rats promised to help the elephant. When needed क्या है यहाँ पर बेटा? The king of the rats यानी कि rats के king ने promise किया. किसे किया? To help the elephant when needed. Elephant को help करने की जब भी उन्हें जरूरत हो. ठीक है, उन्हें जरूरत हो जब भी वो help करेंगे. ऐसा हुआ था क्या? हुआ था ऐसा? हुआ था ना? So क्या आंसर आएगा यहाँ पर? True. और यू कैन राइट टी ऑल्सो. आप चाहे टी लिखिए या अपना ट्रू लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं हम. वन लास्ट क्वेश्चन इज रिमेनिंग नाउ. आई एम इरेजिंग दिस लाइन बेटा. आई होप यू हैव रिटन.
लास्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट्स were shouting for help. Here you have to write the answer. So what will be answer? The elephants were shouting for help. क्या जो elephants हैं वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे? हाँ, उनको मदद की जरूरत थी, है ना? They were shouting. तो क्या आएगा बेटा यहाँ पर? Very good, Manisha, Shiv, well done बेटा. True. Very good. So, your homework is you have to learn and write both the exercises in your Fair English notebook. Clear beta? English ki notebook mein aapko ye dono exercises utarni hai और इनको लर्न भी करना है, ठीक है? रिपीट करना है इस वर्क को आपको. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी. सबको समझ में आ गया बेटा? कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ये आपका क्लास वर्क है बेटा, होमवर्क भी. आपको इस काम को रिपीट करना है, ठीक है? आपको होमवर्क में ये वर्क अपना रिपीट करना है और साथ ही साथ इसको बोल बोल के पढ़ना है और याद भी करना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? थैंक यू.